अस्सलाम वालेकुम, मुझे पता है मुझे आपसे मिलने में थोड़े दिन लग गए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर गैप थोड़ा सा खुशखबरी लेकर आ रहा हो तो थोड़ा सा गैप चलता है। यार सीन ये है कि मैंने यानी आपकी मलाई ने ले लिया है एक नहीं बताऊंगी मैं सॉरी मैं एक सरप्राइज़ देती हूँ आपको, ठीक है। मैंने एक चीज़ ली है जो कि मुझे लगता है कि मेरी वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा बना सकती है, और बहुत सारे लोगों ने मुझसे मेरी वीडियोज़ में ये बात कही भी थी कि बाजी अब वो ले लें आप ही, अब वो ख़रीद लें, तो मैंने ख़रीद दिया है। आपको पता है थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुई क्योंकि मुझे पैसे जमा करने पड़े उसके लिए, तो उसमें थोड़े से दिन लगे, लेकिन अब मैंने ले लिया और मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली हैं। तो सरप्राइज़ क्या है वो मैं दिखा रही हूँ आपको। मैंने ड्रोन ले लिया है तो मैं आप उसको अनपैक करके दिखाती हूँ, ठीक है। ओके आइए। अच्छा, मैंने जो ड्रोन लिया है ये है मैविक प्रो, और इसकी अच्छी और ख़ास बात ये है कि क्वाड कोर है। मैंने सिर्फ ये लिया नहीं है बल्कि मुझे जो है वो इसको फिर मैंने चलाना भी सीखा। तो मैविक की ख़ास बात ये है कि एक तो ये इसके चार पैर हैं, चार पैर, ठीक है, चार पैर अभी खोल के दिखाऊंगी। ये इसके सेंसर्स हैं आगे, ठीक है, ये इसके नीचे एटीट्यूड सेंसर्स हैं। ये सेंसर्स जो हैं ये काम करते हैं उस वक्त जब खुदा ना खासा कोई हार्ड चीज़ सामने आ रही हो तो अलार्म करना शुरू करता है ये सेंसर्स इसके, कि अलार्म करेंगे कि जी टकरा जाएगा, और फिर मतलब बता के आप अलर्ट हो जाएं। दूसरी बात, और ये नीचे जो है ये गिम्बल कैमरा है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ये इसको अन करती हूँ। ये इसका क्लिप था, इसको मैंने निकाल दिया है। मैंने जो है अब मैं इसके पैर खोलती हूँ, ठीक है, ये देखो, ये और ये। अच्छा, इसकी बैटरी जो है वो काफ़ी अच्छी है, इसकी बैटरी जो है वो उससे मैं काफ़ी अच्छी फ्लाइट्स ले सकती हूँ। एक बैटरी से कम मेरा ख्याल है दो फ्लाइट्स मैं ले सकती हूँ, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, और साथ ही मैं अब इससे केबल निकाल रही हूँ, छोटी केबल। हाँ, ये मेरी छोटी केबल, ठीक है। इसका जो रिमोट है, रिमोट आप ये देख रहे हैं, रिमोट को ऐसे खोल के और मैं इसके साथ अपना मोबाइल कनेक्ट करूँगी। कोई भी आपका स्मार्टफोन जो है उसके साथ कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये देखें, ये मैं पहले इसका कवर उतार लूँ, इसको अंदर रखें, ठीक है। ये मैंने इसका कवर उतार लिया है, अब मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट किया ऐसे। तो मैंने इसको कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैंने इसको, ये एक केबल है जिसको मैं इधर से कनेक्ट करूँगी और यहाँ से कनेक्ट करूँगी मोबाइल से। अच्छा, ख़ास बात मैं आपको बता दूँ, ख़ास बात ये है कि इसको उड़ाने से पहले आपको अपने मोबाइल में DJI मैप फोर की ऐप जो है वो डाउनलोड ज़रूर करनी पड़ेगी, उसका मैं आपको अलग से डेमो दे दूँगी। अभी मैं मसरूफ़ हूँ आपको ये दिखाने में, ठीक है, आइए चलें। इस वक्त जो है ये मेरी इसकी बैटरी ऑलमोस्ट 75% पे है, और मैविक की मतलब इस रिमोट को भी चार्ज किया जाता है तो इसकी बैटरी मेरी 80% पर है। तो मैं जो है वो अब इसको वो कह रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ।
भाई ये थी मेरी मैविक की फ्लाइट, एक फ़्लाइट ली थी मैंने। मुझे पता है कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है और सिखाने के लिए मेरा उस्ताद है ना दानिश भाई। तो अभी हमने किया है पहली फ़्लाइट और पहली फ़्लाइट पॉसिबली थोड़ा सा मैंने जो सीखा था उसके मुताबिक मैंने अपनी पहली फ़्लाइट ले ली थी। आप सब बच्चों ने हाई किया था ना इसको, ये देखिए आप कितने सारे फैंस हैं मेरे नन्हे से जो है वो बेचारा क्या नाम था इसका, हाँ ड्रोन मैविक प्रो के बहुत सारे फ़ैन हैं। तो उसको ने सबने हाई किया और अब आप लोग सब वीडियो में आएंगे, ठीक है? तो अब मेरी सारी नेक्स्ट वीडियोस में आप लोग जो है इसको भी देखेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी, इसके अंदर जो है ना रिमोट में जो है इसको एक्टिव वो भी है, क्या कहते हैं उसको, वो जो एक्टिव वो करता है ना, जो पीछा करता है, मैं इसको ऑन कर दूँ तो वो पीछा करेगा, वही वाला वो एक्टिव, ठीक है वो भी है। और इसके अलावा इसके अंदर मुख्तलिफ बहुत अच्छे फंक्शन है, तो प्लीज़ ज़रूर मेरी नेक्स्ट वीडियोस को देखें जिसमें ये इसकी तमाम वीडियोस भी रखूँगी। मुझे पता है थोड़ी सी सीखना पड़ेगा, थोड़ी सी टूटी फूटी वीडियोस आएंगी मेरी, लेकिन चलें काम चल जाएगा ना आपकी मलंग का, बाकी सीखते रहेंगे आपके साथ ही, ठीक है? अरे आप लोग सब भी टाटा करना, अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे टाटा।